दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज होने के बाद एसिड अटैक होने की कई घटनाएं सामने आ रही है। दिसंबर माह में गोंदिया जिले में एक इंजीनियरिंग छात्रा पर एसिड फेंका गया था। वहीं हिंगन घाट में लेक्चरर अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस हमले में अंकिता की मौत के बाद पूरे राज्य भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वहीं गुरुवार को सुबह नागपुर जिले के सावनेर तहसील के पहले पार ग्राम में महिला डॉक्टर पर एसिड की तरह कुछ जानलेवा द्रव्य फेंके जाने का मामला उजागर हुआ है। मिली जानकारी अनुसार नागपुर मेडिकल कॉलेज की टीम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको इस प्रोजेक्ट के लिए पहले पार गांव गई थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए एड्स का सर्वे किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट लेक्चरर और उनकी टीम गांव में कुछ नागरिकों से बात कर रही थी। इस दौरान एक युवक उनकी ओर हाथ में कुछ ले कर आता हुआ दिखाई दिया, जिससे महिला सतर्क हो गई थी। लेकिन देखते ही देखते उस युवक ने महिला पर एसिड जैसा द्रव्य फेंका, लेकिन महिला ने युवक को आते हुए देखा इसलिए वो पीछे हट गई। फिर भी महिला के हाथ पर एसिड के छींटे उड़े। छींटे उड़ने से वो जख्मी हो गई और उसका चेहरा बाल बाल बच गया। जबकि वहीं मौजूद एक दूसरी महिला के होठों पर साथ ही दो बच्चियों पर एसिड के कुछ छींटे उड़े, जिससे वो जख्मी हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नीलेश कान्हेरे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से कड़ी पूछताछ जारी है। आखिर आरोपी ने महिला पर हमला क्यों किया? इस हमले में जख्मी हुई महिला डॉक्टर समेत दो बच्चियों को और एक महिला को नागपुर के मेयो अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। हिंगन घाट अग्निकांड के बाद अब सावनेर में महिला पर एसिड हमला होने से खलबली मची है।